हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सेफ्टी मैनेजमेंट स्टडी में। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू कैलकुलेट SWL यानी सेफ वर्किंग लोड, यानी सेफ वर्किंग लोड को कैलकुलेट कैसे करें। तो आज हम स्काफोल्डिंग के सेफ वर्किंग लोड को कैलकुलेट करेंगे और सीखेंगे कि सेफ वर्किंग लोड कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सेफ वर्किंग लोड कैलकुलेट करने के लिए एक सिंपल सा फार्मूला है जिसकी हेल्प से हम कैलकुलेट कर सकते हैं सेफ वर्किंग लोड को। तो देखिए वो कौन सा फार्मूला है। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं जो फार्मूला हमारा ये है SWL इजक्वल टू डी प्लस 4 × L। तो यहाँ पे देखिए D और L क्या है, मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर जो D है इसका मतलब होता है डेड लोड, यानी वेट ऑफ स्काफोल्ड कंपोनेंट एंड वर्किंग प्लेटफॉर्म। जितनी भी स्काफोल्ड की यानी खुद की जो उसकी लोड है और जो वर्किंग प्लेटफॉर्म की लोड है, अगर इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमारा डेड लोड कैलकुलेट होता है। उसके बाद देखिए L इक्वल टू होता है लाइव लोड, यानी वेट ऑफ वर्कर मटेरियल एंड टूल्स। यानी स्काफोल्ड पे जो भी वर्कर है उस पे जो भी मटेरियल रखा गया है या जिस टूल से भी वो काम कर रहे हैं, तो इन तीनों को जब ऐड करते हैं तो इसे हम लाइव लोड कहते हैं। तो इन दोनों की मदद से ही हम सेफ वर्किंग लोड को निकाल पाते हैं। तो देखिए हम सेफ वर्किंग लोड में करते क्या हैं। तो सेफ वर्किंग लोड इक्वल टू होता है डेड लोड, यानी जो भी स्काफोल्ड की लोड है, प्लस 4 × L यानी 4 times लाइव लोड को कैलकुलेट करके यानी इनटू करके उसमें ऐड करते हैं तो हमारा SWL कैलकुलेट हो जाता है। तो आइए हम एक एग्जांपल से देखते हैं इसे। तो चलिए थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि आपके जो फिगर में दिख रही हुई स्काफोल्ड है एक्चुअली स्काफोल्ड ही है। तो जो इसकी डेड लोड है यानी स्काफोल्ड की जो टोटल लोड है वो 100 kg है, और जो वर्कर यानी जो भी लाइव लोड है उस पर जो वर्कर है या टूल्स हैं मटेरियल्स हैं इनके वेट देख लीजिए। 3 वर्कर है ए बी सी जिनके 50 kg वेट है, 60 kg एंड 65 kg, और जो इसमें टूल्स हैं उनके वेट हैं 300 kg, और जो मटेरियल्स हैं वो 2000 kg। तो आइए इसको फार्मूले पर रखते हैं और इसे कैलकुलेट करते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं SWL का जो फार्मूला होता है वह डी प्लस 4 × L यानी डेड लोड प्लस 4 × लाइव लोड। तो देखिए जैसा कि हमने देखा हमारा डेड लोड 100 था तो हमने यहाँ पे 100 प्लेस कर दिया और 4, और लाइव लोड हमने सारे लाइव लोड को ऐड कर दिया। इसमें वर्कर की लोड है, टूल्स की और मटेरियल्स की लोड है। अब इनको जोड़ने के बाद हमारा ये आता है 2475। फिर से इसे हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 9900 आता है, और इन दोनों को ऐड करने पे हमें 10000 kg मिलता है। यानी हमारा जो सेफ वर्किंग लोड होगा इस स्काफोल्ड के लिए वो है 10000 kg। अब इसे हम टन में कैलकुलेट कर लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं 1000 से डिवाइड करके, तो हमारा एक्यूरेट आंसर आ गया 10 tons। यानी जो इस स्काफोल्ड की हमने जो कैलकुलेशन की उसकी सेफ वर्किंग लोड होगी 10 tons। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला, इसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं स्काफोल्ड की वर्किंग लोड या सेफ वर्किंग लोड। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कॉमेंट करें कि आपको ये वीडियो पसंद आया कि नहीं। अगर कोई भी आपको क्वेश्चन है तो आप उनसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक्स।